नमस्कार। आज हम मोटापे के टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। मोटापे के प्रकार क्या रहते हैं, इसके टाइप्स क्या है, इसके अलावा मोटापे के साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं और मोटापा कम कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोटापे के प्रकार। तो इसमें मोटापे के टाइप्स, इसके अलावा मोटापे के क्लास और मोटापे के शेप्स, इन पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। और अगर आपको आपके मोटापे का टाइप पता है तो आप इसको कम करने में सही कदम उठा सकते हैं और इसके डेंजर्स क्या है ये भी आपको पता चलेंगे। तो सबसे पहले मोटापा पता करने के लिए जो इंडेक्स इस्तेमाल किया जाता है वो है बॉडी मास इंडेक्स। तो इसमें अगर आपका वज़न आपको किलोग्राम में पता है तो इसको आप डिवाइड कीजिए आपकी जो ऊंचाई है उसके मीटर के वर्ग से, दैट इज़ केजी अपॉन मीटर स्क्वायर। तो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स ये 18.5 से नीचे है तो इसका मतलब है कि आप अंडरवेट कैटेगरी में आते हैं, मतलब आपका वज़न कम है। आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 18.5 से 25 के बीच में है तो इसका मतलब है कि आपका जो वज़न है ये स्वस्थ है, नॉर्मल है। और ये बीएमआई अगर 25 से ज़्यादा है और 30 से कम है, 25 से 30 की रेंज में है तो इसका मतलब आपका वज़न है बढ़ा हुआ है, ओवरवेट है आप। और बीएमआई अगर 30 के ऊपर जाता है तो हम इसको मोटापा कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं और इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स रहते हैं। तो सबसे पहले हम मोटापे के क्लास देखते हैं। क्लास वन मोटापा किसे कहते हैं? अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से 35 के बीच में है तो इसको हम क्लास वन मोटापा कहेंगे। अगर ये 35 से 40 के बीच में है बीएमआई तो इसको क्लास टू मोटापा कहेंगे। और क्लास थ्री मोटापा जो है इसमें बॉडी मास इंडेक्स आपका 40 के ऊपर रहता है और ये मोटापा काफ़ी डेंजरस रहता है। इससे काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट अटैक की दिक्कत बढ़ती है, हाइपरटेंशन होता है, डिसलिपिडेमिया होता है, डायबिटीज़ होता है और इससे जो है आगे जाके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का हमें सामना करना पड़ता है। अभी मोटापे के जो प्रकार है, कौन से एरिया में फैट डिपोजिशन हुआ है, एक्सेस फैट कहाँ एक्युमुलेट हो रहा है, इसके हिसाब से भी इसको इसके प्रकार बताए जाते हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार है पेरिफेरल ओबेसिटी, यानी खास करके महिलाओं में देखा जाता है, इसे गायनेकॉइड ओबेसिटी भी कहते हैं। तो यह फैट जो डिपॉजिट होता है वो होता है कुल्लों में, नितंबों में और जांघों में। इसे पियर शेप्ड मोटापे भी कहते हैं और जैसे नाशपति के आकार का मोटापा रहता है तो ये महिलाओं में देखा जाता है। और दूसरा जो मोटापा है दैट इज़ सेंट्रल ओबेसिटी, केंद्रीय मोटापा। इसमें जो खास करके आपका पेट का एरिया है वहाँ ज़्यादा फैट एक्युमुलेट होता है, यह सेब के आकार का मोटापा रहता है, एप्पल सेब मोटापा भी जिसे कहते हैं। और पुरुषों में सबसे आम देखा जाता है और इस मोटापे को सबसे खतरनाक कहा जाता है क्योंकि अगर सेंट्रल मोटापा है, सेंट्रल ओबेसिटी है तो इसके वजह से जो है डायबिटीज़ की समस्या बढ़ती है, फैटी लीवर होता है, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम्स इससे बढ़ता है। इसके अलावा जो स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, इनका खतरा बढ़ जाता है। और अगर हम कंपेयर करेंगे पेरिफेरल ओबेसिटी से तो पेरिफेरल ओबेसिटी में ये जो रिस्क है ये कम रहती है कंपेयर टू सेंट्रल जो मोटापा है उससे। लेकिन अगर वजन कम करने की बात आती है तो सेंट्रल मोटापा जो है, केंद्रीय मोटापा, ये जल्दी कम होता है और जो परिधीय मोटापा है या पेरिफेरल मोटापा है ये कम होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। अभी जो पेट का जो मोटापा है इसको हम, इसका सरकमफेरेंस जो है एब्डोमिनल सरकमफेरेंस, इसके हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अमेरिकी हृदय संस्थान है, अमेरिकी हार्ट एसोसिएशन है, उन्होंने क्लासिफाई किया है कि अगर महिलाओं में ये जो पेट है 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या 35 इंच से ज़्यादा है तो इसको मोटापा कहते हैं। और पुरुषों में अगर ये 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या जो एब्डोमिनल गर्थ है आपकी 40 इंच से ज़्यादा है तो इसको हम मोटापा की श्रेणी में कहते हैं। अभी तीसरा प्रकार जो रहता है इसमें दोनों मोटापा देखने को मिलता है, मतलब सेंट्रल प्लस पेरिफेरल, केंद्रीय परस परिधीय, और यह मोटापा कम करने में काफ़ी दिक्कत होती है। अभी जैसे मोटापे के जो अन्य प्रकार बताए जाते हैं टाइप वन मोटापा और टाइप टू मोटापा। टाइप वन मोटापा जो है ये खास करके ज़्यादा कैलोरी इनटेक और जो आपका एक्सरसाइज नहीं होना, एक्सरसाइज ना करना, इसका ये कारण रहता है। इसके साथ कोई बीमारी नहीं रहती है, मतलब कोई बीमारी की वजह से मोटापा नहीं होता है। इस मोटापे से आगे जाके बीमारियाँ हो सकती है लेकिन ये मोटापा होने के लिए कोई बीमारी इसकी कारणीभूत नहीं है तो इसको टाइप वन मोटापा कहते हैं। और जो टाइप टू मोटापा रहता है ये कोई बीमारी की वजह से होता है, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ी बीमारी है, कुशिंग सिंड्रोम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड कम है आपके बॉडी में, हाइपोथायराइडिज्म है, महिलाओं में ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो रहती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ है,
पैनक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे इंसुलिनोमा है, तो इस बीमारियों में भी मोटापा देखा जाता है, इसको टाइप 2 मोटापा कहा जाता है। तो इस तरह से मोटापे के अलग अलग टाइप्स है, खास करके जो ज़्यादा प्रचलन में है वह है एप्पल शेप मोटापा और पियर शेप मोटापा। तो जो एप्पल शेप मोटापा है ये पुरुषों में देखा जाता है और इसको तुरंत कम करने के दिशा में निर्देश जो दिए उसका पालन करना चाहिए। तो इस मोटापे को कम कैसे करें इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, इसके 15 तरीके हैं कम करने के, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। मोटापा कम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कैलोरीज इनटेक कम लेना है, सैलड ज़्यादा खाने हैं, फ्रूट ज़्यादा खाने हैं और जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, इसका कम सेवन करना है। जो मोटापे के साइड इफ़ेक्ट्स है उसमें जो सबसे मेन है, इसमें आपका हार्ट इफेक्ट होता है, इसमें दिल की काफ़ी सारी बीमारियाँ होती है, दिल को सप्लाई करने वाली नसों में ब्लॉकेजेस होता है, इसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। ब्रेन को सप्लाई करने वाली नसों में ब्लॉकेजेस होता है, इसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा अन्य प्रॉब्लम जो है कैंसर्स होते हैं काफ़ी तरह के, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, इसके अलावा फैटी लिवर होता है, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स मोटापे की वजह से देखे जाते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप जो यह थंबनेल देख रहे हैं उस पर क्लिक करके उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।